नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टैंड क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन है आशुलिपि उच्च गति अभ्यास रामधारी गुप्ता खंड एक प्रतिलेखन संख्या 35 व 36 गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, इसे संबंध में एक बात और कहनी है, वह यह है कि मुझे मुख्य आयुक्त के भाषण के अनुसार यह आशा थी कि सरकार मजदूरों की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, उद्योगों के विकास के लिए और गांवों की स्थिति सुधारने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देने का काम करेगी, विराम। लेकिन ऐसा ज्ञात होता है कि आर्थिक शक्ति सीमित होने के कारण इस पर कार्यवाही करने की संभावना नहीं रही, विराम। फिर भी मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में हमारा मंत्रिमंडल इस ओर अवश्य अविलंब ध्यान देगा। इसी प्रकार से ग्रामीणों की अवस्था सुधारने के लिए सकल घरेलू उद्योग धंधों को भी बढ़ाएगी, जो अभी तक नहीं के बराबर हैं। पैरा भारत की दृष्टि से कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों की अपेक्षा अधिक लाभदायक हैं। पहली बात तो यह है कि भारत एक गरीब देश है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह बड़े उद्योगों के लिए पर्याप्त संख्या में बड़ी बड़ी मशीनें मंगवा सके, विराम। बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी महंगी मशीनों की आवश्यकता होती है, जबकि कुटीर उद्योगों छोटी छोटी और सस्ती मशीनों से चल जाते हैं। कुटीर उद्योगों के लिए न तो बहुत बड़ी इमारतें बनानी पड़ती हैं और न ही बहुत महंगी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। अतः ये उद्योग छोटे छोटे गांवों में भी प्रारंभ किए जा सकते हैं। कई उद्योग तो इतनी थोड़ी पूंजी से भी शुरू किए जा सकते हैं कि उतनी पूंजी प्राय हर किसी व्यक्ति के पास होती ही नहीं है। कुटीर उद्योगों में दूसरी बड़ी सुविधा यह है कि इनमें बहुत अधिक मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती। एक परिवार के सदस्य ही उस उद्योग को चलाने के लिए पर्याप्त होते हैं। घर के सब सदस्य उस काम में हिस्सा बटा सकते हैं। बड़े उद्योग में प्रत्येक मजदूर को कोई विशेष कार्य सीखना होता है और उस काम में कुशलता प्राप्त करने में उसे काफ़ी समय लग जाता है, विराम। तीसरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वह यह है कि जो विचार और सुझाव आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं वे एक पवित्र, शुद्ध और जनता व प्रांत के हित को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत किए गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि
बिना किसी दलगत भावना के शिकार हुए आप उनकी जांच करेंगे और यदि वे जनहित की कसौटी पर खरे उतरें तो उन पर कार्रवाई करेंगे। विराम। महोदय, इस संबंध में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए और कर्मचारियों के रवैये के संबंध में माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए। विराम। मैं समझता हूँ कि इससे कोई समझदार व्यक्ति इनकार नहीं करेगा कि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। विराम। अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो कठिनाइयां सरकार के समक्ष हैं उन पर शीघ्र ही कदम उठाए जाने चाहिए। विराम। यदि सख्ती भी बरतनी पड़े तो चिंता नहीं, हमें ऐसे कदम उठाने ही हैं। विराम। पैरा। मैं यह जानता हूँ कि बहुत से लोग जिनमें हमारे साथी भी हैं इसकी कुछ बातों का विरोध करते हैं, परंतु यदि हम देश की उन्नति चाहते हैं, यदि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और विशेषकर यदि आप समाजवादी ढांचे के आधार पर, जिसको कि कांग्रेस ने देश के लिए निश्चित किया है, इस देश की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इस तरह से कदम उठाएं कि जिससे लोगों को अपनी जीविका सुंदर ढंग से कमाने के लिए साधन जुट जाएं। विराम। वास्तव में यह सरकार जिसने यह साहसपूर्ण कार्य किया है, इस कार्य के लिए सबसे अधिक बधाई की पात्र है। जो लोग यह आशा करते हैं कि हर एक काम उस ढंग से होना चाहिए जिसके लिए गांधी जी हम से कहा करते थे, और जैसा कि अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जिस तरह से सरकार ने इस संबंध में व्यवहार किया है, वह गांधी जी की नीति के अनुसार नहीं था। यही नहीं, उन्होंने तो एक तरह से कांग्रेस ने जो समाजवादी ढांचे पर समाज की व्यवस्था की नीति अपनाई है उसका विरोध किया, और मेरी समझ में उनकी बात नहीं आती कि एक तरफ तो वह कांग्रेस के अंदर हैं और दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा स्वीकार की हुई नीति का इस प्रकार से विरोध करते हैं। विराम। मैं समझता हूँ कि वह इस बात को भी जानते होंगे कि कांग्रेस द्वारा इस नीति को स्वीकार कराने वालों में अधिकतर वे ही लोग हैं जो गांधी जी के अनुयायी हैं और
उनके सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी वह बात समझ में नहीं आती कि आज सरकार प्रजातंत्र और गांधी जी के बताए हुए नियमों के अनुसार आचरण क्यों नहीं कर रही है। विराम, यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। विराम। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का रामधारी गुप्ता खंड एक, प्रतिलेखन संख्या 35 व 36 की डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।